हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय नेम इज ऋतिक जैन एंड वी आर स्टडिंग क्लास सिक्स मैथमेटिक्स एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नाइन ऑफ योर बुक डेटा हैंडलिंग इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू हैंडल डेटा हाउ टू रिकॉर्ड डेटा और राइट डेटा एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट टू गेट सम यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैसे हम डेटा को लिख सकते हैं ताकि हम उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से आप सबने क्रिकेट मैच देखा होगा तो जब भी एक क्रिकेट मैच होता है तो उसमें हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं हम सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं करते कि कौन सी टीम जीती या फिर कौन सी टीम हारी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे दो स्कोर कार्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए चार बोलर्स के स्टैटिस्टिक्स हैं देन चार बैट्समैन के स्टैटिस्टिक्स हैं ठीक है तो इसको मैं कहूँगा ये डेटा है क्यों क्योंकि मैं इससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ Suppose if I ask you that which bowler took the maximum number of wickets, then you can look at the first table and tell that bowler C has taken the maximum number of wickets, which is 4. And if I ask you which batsman has scored the maximum runs, then also you can say that batsman F has scored the maximum number of runs, which is 55. Agar massive that नंबर ऑफ रन आर 55, 37, 45 एंड 22. अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूंगा कि दीज आर द रन स्कोर्ड बाय फोर बैट्समैन तो इससे मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता कि कौन से बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए कितनी बॉल्स यूज करी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ऐसे इंफॉर्मेशन को मैं डेटा नहीं कहूंगा दिस इज नॉट डेटा डेटा इज समथिंग फ्रॉम विच वी कैन गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन ठीक है तो डेटा क्या है अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टुगेदर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन तो मैं इसको डेटा नहीं कह सकता क्योंकि इससे मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है बट दिस इज इस डेटा इसको मैं डेटा कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है बैट्समैन और बोलर्स के स्टेटिस्टिक्स के बारे में ठीक है क्लियर है व्हाट इज डेटा Now let us see how to record data with an example. Let us take an example of a class which is preparing to go for a picnic. The teacher asked the students to give their choice of fruits out of banana, apple, orange and guava. तो so, एक क्लास है जो पिकनिक पे जा रही है. टीचर ने स्टूडेंट्स को चॉइस दी कि आप इन चार फ्रूट्स में से अपनी अपनी चॉइस बता दीजिए. तो टीचर को कुछ ऐसी लिस्ट मिली. राघव विल हैव बनाना.

एंड दिस इज़ अ वेरी टीडियस टास्क ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है तो इससे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी यूज़फुल आउटपुट नहीं मिल रहा है तो सलमा ने क्या कहा कि उसने एक आइडिया दिया उसने क्या करा कि उसने ग्राउंड पे चार स्क्वेयर्स बनाए और सबके नीचे फ्रूट्स के नाम लिख दिए बनाना ऑरेंज एप्पल एंड गुआवा उसने ज़मीन पे चार स्क्वेयर्स बनाए और चारों फ्रूट्स के नाम लिख दिए और स्टूडेंट्स को कहा कि जो भी आपकी चॉइस है उस स्क्र में आप एक पेबल डाल दीजिए सारे स्टूडेंट्स को एक एक पेबल दिया और कहा कि अपने अपनी चॉइस वाले स्क्वायर में आप एक एक पेबल डाल दीजिए ठीक है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट करने हैं देन आई विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ पेबल्स इन दैट स्क्वायेर एंड सिमिलरली इफ़ आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस देन आई विल काउंट द नंबर ऑफ पेबल्स इन दैट स्क्र एंड सिमिलरली फॉर द अदर टू fruits also ओके बाय काउंटिंग द पेबल्स इन each square वी कैन क्विकली टेल द नंबर ऑफ each kind ऑफ फ्रूट रिक्वायर्ड तो अब टीचर को पूरी लिस्ट को दोबारा नहीं देखना है बार बार शी कैन जस्ट लुक एट द स्क्स एंड गेट द नंबर ठीक है बट टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉड रोनल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड पेपर रोनल्ड ने एक और अच्छा आइडिया बताया ही डज नॉट नीड पेबल्स ही ऑल्सो डज नॉट आज स्टूडेंट्स टू कम एंड प्लेस द पेबल्स ही प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल तो उसने कुछ ऐसी टेबल बनाई तो उसने क्या करा कि नंबर ऑफ बनानास काउंट किए यहाँ पर जितने बनानास थे उसने उतने टिक मार्क्स लगाए उसने उतने ही टिक मार्क्स लगाए और उन टिक मार्क्स को काउंट करके उसका टोटल काउंट राइट साइड में लिख दिया है तो अब उसने क्या ईजी किया स्टूडेंट्स को बार बार आके पेबल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये काम हमारा खत्म हो गया और सिर्फ पेन और पेपर से ही हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई अगर मैं आपको कहूँ कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव गुआवा देन यू कैन डायरेक्टली से दैट देर आर फोर स्टूडेंट्स हु विल हैव गुआवा ठीक है तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू मरिया मरिया डो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसिज इन अ कॉलम शी पुट्स अगेंस्ट अ चॉइस ऑफ फूड वन वर्टिकल मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस तो एक टीचर को जानना था कि मिड डे मील के लिए कौन से स्टूडेंट को क्या चाहिए उसने मरिया को ये टास्क असाइन किया और उसने ये टेबल बनाई राइस ओनली देन चपाती ओनली एंड बोथ राइस एंड चपाती तो जितने स्टूडेंट्स थे उसने उतने ही वर्टिकल मार्क्स बना दिए तो अब हम क्या कर सकते हैं वी कैन जस्ट काउंट दीज वर्टिकल लाइन एंड गेट नंबर ठीक है बट उमेश ने एक बेटर आइडिया सजेस्ट किया वो देखते हैं उमेश आफ्टर सीइंग द टेबल सजेस्टेड अ बेटर मेथड टू काउंट द स्टूडेंट्स ही आज मरिया टू ऑर्गेनाइज द वर्टिकल मार्क्स इन अ ग्रुप ऑफ टेन एज शोन बिलो तो उमेश ने क्या कहा कि आपने जो भी मार्क्स बनाए हैं आप उसमें टेन टेन की ग्रुपिंग कर दीजिए और उस पर ऐसे एक सर्कल बना दीजिए तो इससे क्या होगा मुझे अगेन सारी वर्टिकल लाइन्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज टेन एंड आई विल जस्ट हैव टू काउंट दीज सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन दीज आर टेन एंड दीज आर जस्ट थ्री सो टेन प्लस थ्री इज थर्टीन ऐसे ही आप थर्ड ग्रुप में देखिए टू कंप्लीट ग्रुप्स हैं टेन के सो आई कैन डायरेक्टली नो दैट टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी मुझे बार बार ये वर्टिकल लाइन्स काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये उससे एक ईजियर टास्क हुआ अगेन राजन ने एक और आइडिया बताया राजन मेड इट सिंपलर बाय आस्किंग हर टू मेक ग्रुप्स ऑफ फाइव इंस्टेड ऑफ टेन नाउ इंस्टेड ऑफ ग्रुप्स ऑफ टेन राजन आज हर टू मेक ग्रुप्स ऑफ फाइव सो दिस टाइम वी हैव थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव एंड टू सो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इज फिफ्टीन प्लस टू इज सेवनटीन सिमिलरली अगेन टू ग्रुप्स सो फाइव प्लस फाइव इज टेन एंड थ्री इज थर्टीन एंड हेयर आर फाइव 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 फोर कंप्लीट ग्रुप्स सो देट विल बी फाइव टाइम्स फोर दैट इज ट्वेंटी ठीक है तो राजा ने क्या कहा कि आप टेन की जगह फाइव के ग्रुप्स बनाइए देन द टीचर सजेस्टेड इंस्टेड ऑफ सर्कलिंग द फाइव वर्टिकल लाइन्स वी कैन यूज द फिफ्थ मार्क एज अ क्रॉस टीचर सजेस्टेड दैट द फिफ्थ मार्क इन अ ग्रुप ऑफ फाइव मार्क्स शुड बी यूज एज अ क्रॉस एज शोन बाय दिस आप क्या करेंगे हम चार वर्टिकल लाइन्स बनाएंगे और जो आपका पांचवा मार्क होगा उसको सर्कल की जगह आप क्या करेंगे उसे क्रॉस कर देंगे एंड दीज आर कॉल्ड एज टेली मार्क्स ऐसे मार्क्स को हम क्या कहते हैं टेली मार्क्स हम इन्हीं पे थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे और देखेंगे कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग टेली मार्क्स सो इफ यू हैव दिस वन यू नो दैट दिस इज फाइव एंड दिस इज टू सो फाइव प्लस टू इज सेवन राइट एंड इफ यू हैव दिस देन यू नो दैट दिस इज फाइव एंड दिस इज अगेन फाइव सो फाइव प्लस फाइव इज टेन राइट तो अब हमारी टेबल कुछ ऐसी दिखेगी राइस ओनली फाइव 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 प्लस टू सेवेंटीन फाइव प्लस फाइव प्लस थ्री थर्टीन दैन फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव दैट इज ट्वेंटी ठीक है तो इससे हमारा डेटा रिप्रेजेंट करना और भी ईजी हो गया ठीक है अब एक एग्जाम्पल देखते हैं एकता इज आज टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास सिक्स हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो तो एकता को शू के साइजेस कलेक्ट करने के लिए बोला गया उसने एक पेपर पे शू साइजेस ऐसे लिख दिए ठीक है साइज फाइव फोर सेवन फाइव लाइक दिस ठीक है नाउ वी वांट टू नो द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द साइज ऑफ शूज वॉन बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो लेट्स जस्ट अरेंज द गिवन डेटा इन द टेली मार्क्स ओके तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है दीज आर द टोटल शू साइजेस फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ओके नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अरेंज द गिवर इंफॉर्मेशन इन टेली मार्क्स सो सबसे पहले हम काउंट करेंगे शू साइज फोर के लिए तो वो कितने हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फाइव हैं तो हम कैसे करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव अभी मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ मार्क्स से हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे

so one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. okay there are 10 so one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. and number of students are 10 then for shoe size 7 1 Two, three, four, five, six, and seven. So one, two, three, four, five, six, and seven. And number of students are seven. Then in the last for shoe size eight. How many we have? One. Okay. Then two. Only two. So one and टू एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू ठीक है तो हमने ये टेबल भर ली नाउ वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ हैं यहाँ पे टेन सो शू साइज क्या है सिक्स तो इससे हमने इजिली आंसर किया इस क्वेश्चन को द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज साइज सिक्स करेक्ट द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू सो द साइज इज एट सो वी कैन अगेन राइट दिस विल बी साइज एट द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज साइज एट ठीक है तो कैसे हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको टेली मार्क्स में कन्वर्ट किया और फिर हमने क्वेश्चंस को आंसर किया ठीक है

तो पिक्टोग्राफ में क्या अलग होता है हम मार्क्स का यूज नहीं करते हम सीधा उसकी इमेज का यूज करते हैं उससे क्या होता है उससे फायदा यह होता है कि हमको एक ग्लांस में हमारे आंसर्स मिल जाते हैं अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा ठीक है तो यहां पर देखिए अब पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लांस नाउ इफ आई आस्क यू इन दिस एग्जाम्पल इन विच रो देर आर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स तो आपको काउंट भी नहीं करना है आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि रो थ्री में सबसे कम बुक्स हैं एंड इफ आई आस्क यू कि रो रो हैज हैज मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ ऑफ बुक्स देन यू कैन क्विकली आंसर दैट बुक्स आपको काउंट भी नहीं करना है तो आपको समझ में आया कि एट अ ग्लांस का क्या मतलब है कि हम सिर्फ देखते ही बता सकते हैं कि किस में सबसे ज्यादा या किस में सबसे कम बुक्स हैं या फिर कम ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है तो अब एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एबसेंटीज इन अ क्लास ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक सो दिस पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन द लास्ट वीक एंड वन फेस रिप्रजेंट वन एबसेंटी स्टूडेंट्स हर टेबल में आपको ये मिलेगा या फिर आपको ये बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि एक फोटो कितने स्टूडेंट्स को या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है तो हमारे पास ये टेबल है अब क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करते हैं ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट अगेन यू कैन डायरेक्टली आंसर विदाउट काउंटिंग दैट सैटरडे सैटरडे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एबसेंट थे सो द आंसर फॉर दिस इज सैटरडे राइट ठीक है नेक्स्ट देखिए विच डे हैड फुल अटेंडेंस सो फुल अटेंडेंस मीन्स नो एब्सेंटीज No absentees are this Thursday, correct? So Thursday had full attendance. Okay, correct. Next, what was the total number of absentees in that week? Now we have to tell the total number of absentees in the complete week. So we will just count the number of faces here. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So the total number of absentees in the last week were 20. Okay? Next example: hai. The colors of fridges preferred by people living in a locality are shown by the following pictograph. Again, we have one pictograph here. We have four colors: blue, green, red, and white. एंड वी हैव सम इन्फॉर्मेशन हर अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कि एक इमेज एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है एक इमेज जो है वो टेन पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है इसका मतलब दीज आर टेन प्लस टेन प्लस टेन थर्टी पीपल प्रेफर ग्रीन कलर फ्रिज ठीक है तो आप क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर तो आप ब्लू कलर देखते हैं दिस इज ब्लू कलर सो दिस विल बी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी सो देर आर फिफ्टी पीपल हु प्रेफर ब्लू कलर ठीक है स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस स्केल को देखना ना भूलें ठीक है नेक्स्ट देखिए हाउ मैनी पीपल लाइक द रेड कलर नाउ वी वॉन्ट टू नो दैट हाउ मैनी पीपल लाइक द रेड कलर सो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी दीज आर फिफ्टी अब स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से देखिए कि ये इमेज जो है ये कंप्लीट नहीं है ये आधी इमेज है तो आधी इमेज का मतलब है कि दीज आर नॉट टेन दीज आर आइदर हाफ या फिर क्लोज टू हाफ ठीक है तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे आधी इमेज दिखे तो हम अज्यूम करते हैं कि ये अराउंड हाफ के आसपास होगा सो so, टेन का हाफ कितना होगा फाइव सो दिस विल बी फाइव ठीक है तो फिफ्टी प्लस फाइव विच इज फिफ्टी फाइव तो ऐसे आप हाफ इमेजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको और भी डिटेल में कर सकते हैं आप इस इमेज को ब्रेक कर सकते हैं कैसे दिस वॉज माई कंप्लीट इमेज तो अगर आप इसको ब्रेक करें तो आप देखिए इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस रिप्रजेंट फाइव अगर मैं सिर्फ ये बनाऊँ तो दिस रिप्रजेंट सिक्स इफ आई एड वन मोर देन दिस इज सेवन इफ आई एड अदर देन दिस इज एट सिमिलरली दिस विल be नाइन एंड द complete इमेज विल be टेन तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज फाइव और आप अगर एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो हम एक एक काउंट बढ़ाते जाएंगे ठीक है तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स इन अ स्कूल डेटा अबाउट द डिफरेंट मोडस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय देम

क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय प्राइवेट कार इज फोर सो दिस इज प्राइवेट कार हाउ मेनी स्टूडेंट्स वन टू थ्री एंड फोर सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय प्राइवेट कार इज फोर ठीक है नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज द स्कूल बस दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे तो जो स्कूल बस है उसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज करते हैं या आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं अगेन बिकॉज देर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस अगेंस्ट द स्कूल बस ठीक है साइकिल इज यूज बाय ओनली थ्री स्टूडेंट्स ओनली थ्री स्टूडेंट्स यूज साइकिल टू कम टू स्कूल सिर्फ तीन स्टूडेंट्स हैं जो साइकिल का यूज करते हैं सिमिलरली हम बाकी के मोड्स का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसी पिक्टोग्राफ से ठीक है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्यूफैक्चर बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन दिस इज द काउंट ऑफ रिस्ट वॉचिज प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे नाउ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट दिस वन इमेज रिप्रेजेंट हंड्रेड रिस्ट वॉचेस ठीक है और आपको यहां पर कुछ आधी इमेज भी दिख रही हैं तो इनको हम एग्जैक्टली exactly हाफ यानी कि 50 नहीं मानेंगे हम मानेंगे क्लोज टू 50 दैट मीनस इट इज लेस देन 100 ठीक है तो अब क्वेश्चंस का आंसर करते हैं ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड सो हेयर वी कैन सी द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वर मैन्युफैक्चर्ड ऑन सैटरडे ठीक है दिस इज फाइव हंड्रेड वन टू थ्री फोर फाइव हंड्रेड एंड दिस इज हाफ दैट मीन क्लोज टू फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी और वी कैन से दट मोर देन फाइव हंड्रेड और लेस देन सिक्स हंड्रेड सो ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचे मैन्युफैक्चरडे ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचिज मैन्युफैक्चर्ड वॉज थर्सडे थर्सडे को सबसे ज्यादा रिस्ट वॉचेज मैन्यूफैक्चर हुई हैं ये हम पिक्टोग्राफ से डायरेक्टली एक ग्लांस में पता लगा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचिज मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक अब हमको पता लगाना है कि पर डे अप्रॉक्सीमेटली कितनी रिस्ट वॉचेज प्रोड्यूस हुई हैं तो यहाँ पे देखिए एक मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है कि मंडे को एग्जैक्टली सिक्स हंड्रेड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड वन वॉच रिप्रेजेंट्स हंड्रेड रिस्ट वॉचेज So, this will be 6 times 100, that will be 600. So, Monday ko 600. Similarly, on Tuesday, more than 700 and less than 800. More than 700. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means 700 complete. And here we have one half watch. That means it is close to half, but not exactly half. सो वी कैन से देर आर मोर देन सेवन हंड्रेड बट डेफिनेटली लेस देन एट हंड्रेड ठीक है हम बाकी के भी फिल करते हैं वेडनसडे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो इट इज मोर देन सिक्स हंड्रेड बट लेस देन सेवन हंड्रेड सो इट इज समवेयर बिटवीन सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड ठीक है क्लियर है थर्सडे वन टू थ्री फोर 5 6 7 and 8 complete 800 watches are produced on thursday so this is 800 then on friday 1 2 3 4 5 and 6 complete 600 watches so this is 600 tk then on saturday 1 2 3 4 5 so this is complete 500 एंड दिस इज हाफ watch, सो वी कैन से दैट मोर देन 500 but बट लेस देन So somewhere सो समवेयर बिटवीन 600. टू सिक्स ठीक है तो ऐसे ही हमने पूरी टेबल को फिल कर लिया है तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे आज हमने देखा व्हाट इज डेटा कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को यूजिंग इन टेलीमार्क्स एंड देन वी लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ In the next video, we will take up the first exercise. Till then, goodbye. See you in the next one.